हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ उदित एंड यू आर वाचिंग टेक लाउंज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाओमी का जो क्यूलेट टीवी आने वाला है उसके बारे में। शाओमी इंडिया में बहुत ही जल्द अपनी ये नई टीवी की सीरीज़ लॉन्च करने वाला है और ये बताया जा रहा है कि ये शाओमी 16 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च करेगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करें इस टीवी की, तो इस टीवी का नाम अभी फ़िलहाल फाइनल नहीं हुआ है, मगर ऐसा बताया जा रहा है कि इसका नाम मी टीवी 5 प्रो होने वाला है। शाओमी ने लास्ट ईयर ये टीवी चाइना में लॉन्च कर दिए थे और वहाँ पर इसकी जो प्राइस रखी गई थी वो इंडियन करेंसी के हिसाब से 41,700 रुपये रखी गई थी, मगर इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तब बताया जा रहा है कि इसकी प्राइस 49,999 रुपीज़ होने वाली है, जो कि आपको 55 इंच में ये मिलेगा। इसमें आपको 65 इंच और 75 इंच मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे और इन जो टीवी का कंपटीशन होगा वो सीधा वन प्लस, सैमसंग और TCL जैसी कंपनीज के साथ होने वाला है। फिलहाल अगर आप चेक करें तो जो सबसे सस्ता QLED टीवी इंडिया में मिल रहा है वो TCL की तरफ से आता है, जिसकी प्राइस 55,990 रुपये है। और अगर शाओमी की बात करें तो वो इससे काफ़ी कम प्राइस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये जो टीवी है ये लेटेस्ट एंड्रॉयड के साथ आएगा और इसमें आपको शाओमी का खुद का जो पैचवॉल लॉन्चर है वो आपको इसमें दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो इस टीवी में शाओमी 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ ये टीवी आपको देने वाला है और ये टीवी 8K रेजोल्यूशन तक सपोर्ट भी करेगा। इन टीवी में शाओमी ने पहली बार इनका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम से डिज़ाइन किया है और इन टीवी में आपको बहुत ही ना के बराबर जो बेजल्स हैं वो मिलने वाले हैं, मतलब 1.8 mm तक के बेजल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब एक तरह से ये फ्रेमलेस टीवी आपको लगने वाला है, जिससे जो टीवी देखने का एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी शानदार हो जाएगा। इसी के साथ इसकी जो थिकनेस है वो भी काफ़ी कम रखी गई है, 4.5 mm की इसमें थिकनेस बताई जा रही है और ये काफ़ी स्लिम होने वाला है टीवी। अगर इसमें कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट, एक ईथरनेट पोर्ट और एक हेडफोन जैक आपको इसमें दिया गया है। इसी के साथ ये जो टीवी है ये डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी इसमें दिया जाएगा और साथ ही साथ इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ के साथ ये आपको टीवी मिलेगा। इस टीवी का जो प्रोसेसर है अगर उसकी बात करें तो इसमें आपको 64-bit M-Logic T972 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 12 nm पर बेस्ड है और शाओमी की तरफ से ये अभी तक का इनका सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर होगा जो कि शाओमी ने अपने किसी टीवी में दिया है। ये टीवी का जो पैनल है वो QLED दिया गया है और ये सैमसंग की तरफ से शाओमी ने लिया है और सैमसंग की तरफ से है तो आप समझ जाइए कि ये कितना शानदार होने वाला है। ये टीवी में जो कलर्स होंगे वो नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं, जो कि बताया जा रहा है कि ये 108 NTSC वाइट कलर गैमेट के साथ आपको दिया जाएगा। ये टीवी में HDR10 का सपोर्ट भी आपको मिलेगा और इसमें अगर हम ऑडियो की बात करें तो इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो और DTS HD सराउंड साउंड मिलने वाला है। अगर इसमें हम नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करें तो इसमें शाओमी की तरफ से आपको 4 स्पीकर्स मिलने वाले हैं, जिससे जो इसका ऑडियो एक्सपीरियंस होगा वो भी आपको काफ़ी अच्छा सुनने को मिलेगा। तो ये सब स्पेसिफिकेशंस के बाद ये टीवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और 16 तारीख को ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। प्राइस जितनी बताई जा रही है अगर उतनी ही रख दी जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा और 50,000 की प्राइस में ये इंडिया का सबसे सस्ता QLED टीवी बन जाएगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।